नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं आईटी गुरुकुल। पिछले एपिसोड में हमने गट्टानी हॉस्पिटल से डॉक्टर मुकेश और डॉक्टर भानु से मुलाकात की थी और जाना था उनके कब्ज मुक्त भारत और पाइल्स मुक्त भारत अभियान के बारे में। इस एपिसोड में हम डॉक्टर भानु से मिलेंगे और जानेंगे कि उनके कब्ज मुक्त भारत अभियान के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए उनकी क्या प्लानिंग है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं डॉक्टर भानु से। तो डॉक्टर साहब, गट्टानी हॉस्पिटल का जो कब्ज मुक्त भारत मिशन है उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए आप क्या फॉर्मूला अपनाने वाले हैं? देखिए संतोष जी, कब्ज मुक्त भारत का जो हमारा मिशन है उसको अचीव करने के लिए हमने हमारे पिछले करीब 40 वर्षों के अनुभव का एक निचोड़ निकाला है और उससे ये फॉर्मूला बना है जिसका नाम है कब्ज नाशक सुदर्शन चक्र। इसे आप मेडिकल लैंग्वेज में होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं, जिसमें यह चक्र मरीज की कब्ज पर हर दिशा से प्रहार करेगा और उसे जड़ से समाप्त करेगा। यह होलिस्टिक अप्रोच तैयार हुई है हमारी स्पेशलिस्ट की एक टीम से, जिसमें डाइटिशियंस हैं जो मरीज के आहार के बारे में एडवाइस करेंगे, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट्स हैं जो सुबह से लेकर रात तक की उन दिनचर्या पे एडवाइस करेंगे, साइकोलॉजिस्ट हैं। कब्ज का मानसिक तनाव के साथ एक बहुत गहरा संबंध है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। योगा ट्रेनर्स और फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो व्यायाम और कसरत के बारे में एडवाइस करेंगे, फिजिशियंस हैं जो मेडिकल पार्ट को देखेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन पर स्पेशलाइज्ड एडवाइस देंगे, उसी तरह पीडियाट्रिशियंस हैं, बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो उस पर भी वो स्पेशलाइज्ड एडवाइस देंगे। और इसके बाद कोई बहुत विशेष वर्ग बच जाता है जिसकी कब्ज का कारण कोई सर्जिकल कॉज होता है तो सर्जन्स की एक्सपर्ट एडवाइस भी हमारे पास उपलब्ध होगी। तो ये है हमारा बेसिकली एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच जिसे हमने नाम दिया है कब्ज नाशक सुदर्शन चक्र। डॉक्टर भानु, आपकी बातों से लगता है कि ये कब्ज मुक्त भारत का जो मिशन है, इतने बड़े मिशन को अचीव करने के लिए तो काफी बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी, काफी ज्यादा टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने संतोष जी। ये कब्ज मुक्त भारत का जो मिशन है इसको समझने के लिए मैं एक साधारण से उदाहरण की मदद लूंगा। जैसे हम देखते हैं शादी हर घर में होती है, वो शादी का जो इवेंट होता है उसमें हर व्यक्ति का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, केटरिंग वाले होते हैं, टेंट वाले, लाइटिंग वाले, म्यूजिक वाले, होटल्स, पंडित, ये सब लोग जब मिलकर अपना काम अच्छे से करते हैं तभी जाके उस शादी के इवेंट को हम सक्सेसफुल कह पाते हैं। अगर जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति इसमें से अपना काम गड़बड़ कर दे, फॉर एग्जाम्पल केटरिंग वाले ने खाना अच्छा नहीं खिलाया, तो शादी के उस इवेंट में वो मजा नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार कब्ज के जो रोगी होते हैं वो आमतौर पर, अधिकांश रोगी एक या दो इलाज के सहारे ही अपनी कब्ज को दूर करने का प्रयास करते हैं और लगातार हार पे हार का सामना करते हैं। अगर वो डाइट पे ध्यान देते हैं तो दिनचर्या पे नहीं दे पाते हैं, दिनचर्या पे देते हैं तो एक्सरसाइज पे नहीं दे पाते हैं, एक्सरसाइज पे देते हैं तो मेडिकल प्रॉब्लम्स पे नहीं दे पाते हैं, तो इस प्रकार वो फेल हो जाता है। तो हमारा ये जो कब्ज नाशक सुदर्शन चक्र है इसकी होलिस्टिक अप्रोच की खासियत ही है कि हम कोई भी कोना मरीज की बीमारी का खाली नहीं छोड़ेंगे, हम सब तरफ से उस पर प्रहार करेंगे तभी मरीज को एक कंप्लीट, समग्र और होलिस्टिक ट्रीटमेंट को हम दे पाएंगे, और यही हमारा सुदर्शन चक्र। तो इस सुदर्शन चक्र के श्री कृष्ण कौन है? देखिए ऐसा है कि ये चक्र, सुदर्शन चक्र तैयार है हमारी पूरी स्पेशलिस्ट की टीम के साथ बनकर, और जो राक्षस है, जो कब्ज है, वो ऑलरेडी तैयार है खत्म होने के लिए, पर इसको चलाने का जो जिम्मा है वो मरीज का स्वयं है, वो श्री कृष्ण मरीज स्वयं है। यानी कम से कम अगर वो अपनी कब्ज के लिए सीरियस हैं, वास्तविकता में उसको दूर करना चाहते हैं, तो कम से कम उनको गट्टानी कब्ज क्लिनिक से जुड़ने का एफर्ट तो करना ही पड़ेगा।
बस एक बार वो जुड़ जाएंगे, जब वो पहला कदम उठा लेंगे उसके बाद का पूरा रास्ता तो उनके लिए तय है, फिर तो कब्ज समाप्त होनी ही है, कब्ज का सफाया होना है। पर ये फर्स्ट स्टेप लेने के लिए श्री कृष्ण तो मरीज को स्वयं बनाना पड़ेगा और ये सुदर्शन चक्र चलाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया विचार डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया। पाइल्स में नंबर वन गट्टानी हॉस्पिटल फोन लगाओ कब्ज भगाओ।